हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो द मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर द टू आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर और प्रिंटर ये दो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। द मॉनिटर डिस्प्ले द आउटपुट वाइल प्रिंटेड प्रिंटर प्रिंट द आउटपुट ऑन द पेपर। मॉनिटर हमें यहाँ जो स्क्रीन है वहाँ आउटपुट देता है, जब प्रिंटर है वो हमें एक पेपर में आउटपुट देता है। उसमें हम फर्स्ट समझते हैं मॉनिटर। द मॉनिटर लुक्स लाइक्स अ टीवी स्क्रीन। इट इज कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स विथ अ केबल। इट इज अ पावर बटन to switch its on and off, and it also has a control for brightness, constant, etc. The monitor is also known as a visual display unit. Monitor को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? Visual display unit. ये हमारा monitor, और इसमें ये आप लोगों को दिख ही रहा है कि ये टीवी जैसा ही है। हमारे घर में जो टीवी होती है वो भी एलईडी जो टीवी होती है वो ऐसे ऐसी होती है। यहाँ साइड में एक पावर बटन दिया हुआ होता है, यहाँ साइड में एक पावर बटन दिया हुआ होता है जिसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसे दूसरे एक नाम से विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। फिर डेटा एंटर इनटू कंप्यूटर इज प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज थस जनरेटेड इज डिस्प्ले बाय द मॉनिटर। ऑल्सो व्हेन यू एंटर डेटा और अ गिवन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर द मॉनिटर स्क्रीन डिस्प्ले व्हाट एवर यू आर टाइपिंग करंटली। अब जैसे मैं यहाँ पे लाइन कर रही हूँ, जब कंप्यूटर की स्क्रीन में हम ऐसे लाइन करते हैं तो वो ऐसा डिस्प्ले करता है कि ये लाइन हो गई है। आउटपुट क्या किया, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी थी तो वो मैंने की, तो आउटपुट वाइज मुझे वो लाइन मिली। बस यही कंप्यूटर में हम जो भी कुछ डेटा एंड कीबोर्ड से हमने कोई डेटा इनपुट किया, तो अब जैसे डेटा इनपुट कर रहे हैं ए डी बी, ये डेटा हमने इनपुट किया तो कंप्यूटर की स्क्रीन में हमें कुछ ऐसे इस तरीके से ए डी बी लिखा हुआ दिखाई देगा। ए, अगर मैंने ए टाइप किया है तो ए लिखा हुआ दिखाई देगा, सी टाइप किया है तो सी लिखा हुआ दिखाई देगा, डी टाइप किया है तो डी लिखा हुआ दिखाई देगा। इसी तरह बस कंप्यूटर में जो हम डेटा, जैसे अब हमने इनपुट किया कि हमें सॉन्ग वीडियो सॉन्ग देखना है तो हमें वो वीडियो सॉन्ग डिस्प्ले करेगा। आगे देखते हैं सेकेंड टॉपिक हमारा प्रिंटर। प्रिंटर एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज डिस्प्ले is display by the monitor. This information or output can printed on paper with the help of a printer. The printer is cannot to the CPU box with a cable. The printer is connected to the CPU box with a cable. A printer can print both text picture. The printer copy of the text or pictures is called hard copy. This because of a copy stored by the computer or a display the screen is called a soft copy. There are three kind of a printer. जो कॉपी हम पेपर में निकालते हैं टेक्स्ट और पिक्चर्स, तो वो हार्ड कॉपी है। जैसे कि अब यहाँ मैंने एक पीडीएफ सेव की है तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी। अब जो जो डेटा हमारे पास कंप्यूटर में होगा ना, जो डेटा हमारे पास कंप्यूटर में स्क्रीन में डिस्प्ले होगा
उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। जो डेटा हमारे हाथ में होगा जिसे हम पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी राइट कर लिख सकते हैं, तो वो उसे हार्ड कॉपी कहेंगे। ये भी सीपीयू के बॉक्स के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है और माउस है, ये सब भी हमारे सीपीयू बॉक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह प्रिंटर भी हमारे सीपीयू बॉक्स के साथ कनेक्टेड होता है। प्रिंटर के तीन टाइप है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्शन प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। ये तीन प्रिंटर है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैज अ स्मॉल सेट ऑफ नीडल लिंक पिंस टू प्रिंट वर्ड और पिक्चर्स। द वर्ड और पिक्चर्स आर प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। मोस्ट डॉट्स मैट्रिक्स प्रिंटर इज ब्लैक और वाइट। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज वेरी नॉइजी एंड स्लो। अब हमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, तो हम उसमें लिख क्वेश्चन ब्रैकेट में दिया हो वेरी नॉइजी और स्लो, या तो फिर हमें मैचिंग में पूछ सकते हैं कि भाई डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की इसमें से खा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि वो वेरी नॉइजी होता है। और प्लस इसका इसमें क्या होता है कि वो डॉट, जैसे यहाँ डॉट है ना, तो वो हम डॉट कर करके ए लिखेंगे ना, इस तरह वो हमें प्रिंट करके देगा साथ साथ में, जैसे डॉट किए हुए यहाँ पे और ये ए लिखा हुआ है, उसी तरीके से वो हमें प्रिंट करके देगा। बस डॉट उसमें एक निडल लिंक पिन होती है जिससे वो प्रिंट करता है। निडल लिंक पिन, निडल लाइक पिन, तो वो ऐसे निडल ऐसे डॉट करेगी। ए लिखना हो तो ए, बी लिखना हो तो बी, और सी लिखना हो तो सी। ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सेकंड देखते हैं हम इंजेक्शन प्रिंटर। इंजेक्शन प्रिंटर ये हमारा फर्स्टली इंजेक्शन प्रिंटर जो हाल में हम सब जगह देखते हैं। द हेड ऑफ द इंजेक्शन प्रिंटर हैज़ मैनी टाइनी होल्स ऑन इट। यहाँ टाइनी होल्स बहुत सारे होते हैं, हम अलग अलग जगह से उसे प्रिंट कर सकते हैं। टाइनी ड्रॉप्स इन इंक द स्प्रेड आउट ऑफ दिस होल्स टू प्रिंट वर्ड्स और पिक्चर्स ऑन अ पेपर। इंजेक्शन प्रिंटर कैन प्रिंट बोथ ब्लैक एंड कलर। इंजेक्शन प्रिंटर ब्लैक एंड कलर दोनों में प्रिंट कर सकता है। उसमें मैनी टाइनी होल्स होते हैं, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में क्या होता था, डॉट होते थे, बट यहाँ पे जो एक शीट दी हुई होती है अंदर एक, उसके अंदर होल्स होते हैं, उसके अंदर टाइनी छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसकी मदद से यहाँ ये प्रिंट करता है। Any injection printer is a quite cheap, easy to use and quieter than the dot matrix printer. इसमें dot matrix printer से ये कम noisy है, इसलिए mostly schools, office और सब जगह ये ज़्यादा useful है, क्योंकि noisy भी नहीं है, plus print भी अच्छे से करता है सब, और प्लस बोथ बेनिफिट्स, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर दोनों प्रिंट करता है। अब हम थर्ड देखते हैं लेज़र प्रिंटर। और ये है लेज़र प्रिंटर। अ लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स वर्ड्स और अ पिक्चर विद द हेल्प ऑफ अ लेज़र बीम। इट इज़ द बेस्ट प्रिंटर अवेलेबल टुडे फॉर द गुड क्वालिटी प्रिंटर। अ लेज़र प्रिंटर प्रिंट द होल पेज एट वंस। अ लेज़र प्रिंटर इज़
costlier than the injection printer, but it is printed at high speed. अब धीरे धीरे इंजेक्शन प्रिंटर से हटा के हम लेज़र प्रिंटर पे आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ के लेज़र प्रिंटर में एक कांच रखा हुआ होता है, जैसे यहाँ जहाँ होल है ना वहाँ एक कांच रखा हुआ होता है, उसके ऊपर जब हम पेपर रखते हैं तो पूरा का पूरा पेपर एक साथ में वो रीड करके और उसको फट कॉपी में ले जाता है. इसकी वजह से हमें यहाँ जो प्रिंट मिलती है वो वेरी फास्ट क्विक. आज हम अभी भी हम कहीं पे भी प्रिंट करवाने जाते हैं, जैसे अब हमें आधार कार्ड की जेरोक्स निकलवाने जाना है, तो यहाँ मोस्टली ज़्यादातर बड़े प्रिंटर यूज़ होते हैं, उसमें लेज़र बीम टेक्नोलॉजी का लेज़र प्रिंटर का यूज़ लेज़र बीम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होता है, बिकॉज ऑफ के वो पूरा फर्स्टली पहले फटाफट रीड कर लेगा, इन 2 मिनट आपको आपकी प्रिंट मिल जाएगी. तो थोड़ा हाँ कॉस्टली है, बट हाई स्पीड है, उसकी वजह से हमारे यूज़ के लिए हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. लास्ट में हम देखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट. तो प्रोसेसिंग यूनिट इज़ लोकल्ड इन द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स. The virtual box you see next to the monitor is called a CPU box or a system unit. The monitor, keyboard, mouse or a printer to connected the CPU box with the cable. The CPU box is the name suggested const of the CPU. Which performs the today means function of a processing and store. The processing is done by processing unit and memory unit take care of a storage. ये हमारा एक CPU जो हम कंप्यूटर के बाजू में रखा हुआ देखते हैं, जहाँ पे भी आप कंप्यूटर देखेंगे उसके साइड में ये कंप्यूटर ये सीपीयू रखा हुआ होता है. तो अब सीपीयू के साथ साथ कनेक्टेड क्या होता है, तो फर्स्टली मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर सब ही सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं. और सीपीयू बॉक्स एज द नेम सजेस्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नाम प्रोसेसिंग तो वो सब जगह, पहला तो उसका फंक्शन क्या है, प्रोसेस करना, और सेकंड वो मेमोरी यूनिट भी है जहाँ मेमोरी स्टोर होती है हमारी. आगे फर्स्ट पढ़ते हैं प्रोसेसिंग यूनिट और सेकंड है मेमोरी यूनिट. तो प्रोसेसिंग यूनिट इज कनेक्ट द सीपीयू and the other electronic component that help the CPU to process input data according to program and generated information output. The CPU controls the entire working of the computer, so it is called the brain of a computer. On a receiving data and instruction for the input device, the CPU device what do, how to do it, and which unit will do it, and according it sends message or a signals to those units. After processing the data, the CPU generate information and display its through the output units. अब सबसे पहले प्रोसेसिंग में होता क्या है, तो जैसे कि हम सिंपल है कि हमें रोटी खानी है तो पहले आटा छानना पड़ेगा, उसके बाद उसके
रोटी का आटा बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम रोटी बेलेंगे, उसको सेकेंगे, फिर हम रोटी खाएंगे। इसी तरह सीपीयू का भी है। सबसे पहले तो जैसे हमने कोई डेटा इनपुट किया तो वो हमें वो पहले तो देखता है कि भाई ये डेटा कहाँ पे है, इसकी क्या आगे प्रोसेस करनी है। और जैसे यहाँ हमें कोई वीडियो देखना है, या तो हमें किसी के मैरिज के वीडियो देखने हैं, तो वो कहाँ पे रखे हुए सीपीयू को पता है। तो वो पहले वो सब इंस्ट्रक्शन देगा कि ये डेटा यहाँ पे है, तो वो इंस्ट्रक्शन दी विद इन अ सेकेंड्स ये सारे काम हो जाते हैं। हमें आटा छान के और रोटी बनाने में जितना टाइम लगता है, इतना टाइम कंप्यूटर को प्रोसेस करने में नहीं लगता है। कंप्यूटर को प्रोसेस करने में विद इन अ मिनट, जैसे हमने क्लिक किया कि हमें ये वीडियो देखना है, ऐसे ही वो प्रोसेस करके फट ओपन हो जाता है। हमने कोई और डेटा इनपुट किया कि भाई हमें आज ये PDF फाइल ढूंढनी है, कि भाई ये करना है, तो जैसे ही हम उसमें डेटा इनपुट करेंगे विद इन अ सेकेंड और विद इन अ मिनट वो हमें डिस्प्ले कर देगा। ये सब प्रोसेसिंग यूनिट में आता है कि कैसे जल्दी से कौन सा वर्क किसका है उसको डिवाइड किया हुआ होता है, और वो इतने ही जल्दी जो हमने मैसेज या सिग्नल दिया उसको इतना ही जल्दी वर्क करता है। लास्ट हमारा उसका टॉपिक है मेमोरी यूनिट। एज द नेम सजेस्ट, द मेमोरी यूनिट स्टोर ऑल द डेटा प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन इट। जैसे इसका नाम है मेमोरी यूनिट, ऐसे वो उसमें प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। When you enter data into the computer, it first goes to the memory unit. जैसे ही आपने कोई डेटा एंटर किया कंप्यूटर में, तो सबसे पहले वो मेमोरी यूनिट में जाता है, वो स्टोर होता है, उसके बाद आपको डिस्प्ले होता है। The CPU takes data for the memory unit, process it and generate information. The information is again sent to store it in the memory unit. The CPU then instruct the memory unit to send the information to the output device. अब CPU इसमें करता क्या है, CPU का पार्ट, तो घर में आपने किसी को बोला कि मुझे ये चाहिए, आपकी मम्मा को आपने ऐसा बोला कि मुझे गेम चाहिए, तो आपकी मम्मा पापा को बोलेगी, पापा आपसे बात करेंगे, फिर ला के देंगे। इसी तरह का प्रोसेस CPU में भी होता है। CPU पहले आपने कोई डेटा इनपुट किया तो उसे मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है, उसके बाद आपको क्या डिस्प्ले करना है वो प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको वो चीज़ डिस्प्ले हो जाती है। बस आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ हमने इस चैप्टर पहले तो फंक्शन एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर के फंक्शन किए, इनपुट डिवाइस की बोर्ड एंड माउस, आउटपुट डिवाइस देखे, मॉनिटर, प्रिंटर एंड सीपीयू का काम, प्रोसेसिंग यूनिट कैसे काम करता है। प्रोसेसिंग यूनिट सबसे पहला तो सीपीयू है। आगे के आपके जो क्वेश्चंस आंसर है, आपकी जो एक्सरसाइज है, वो आपको PDF में भेज दी जाएगी, तो नो टेंशन। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।